freedom. चौबी तरीक कल लोंगोवाल विखे बहुत बड़ा इकट्ठ है सारिया पंथक जथेबंदियां इसे सिलसिले नूं अगे जारी करते हुए चौबी तरीक नूं उत्थे बहुत वड्डा इकट्ठ है। अगले महीने श्रोमणी कमेटी के दो बहुत वड्डे फंक्शन आ रहे हैं 15 नवंबर का फिर 3 नवंबर का। एक गल उदों तक ठंडी नहीं पैनी थले नहीं डिगनी जब तक ये सरूपां दा जवाब नहीं देंगे ये दसनगे गे नहीं कि सरूप कित्थे ने। इन्हां दे दो बहुत वड्डे फंक्शन आ रहे हैं फिक्र उन्हां नूं भी है तुसीं चिंता ना करो इन्हां नूं अपने दोवां फंक्शनां तो पहला जवाब देने पैने। नहीं जी ज्ञानी गुरबचन सिंह भी मुलाजम ही सीगा जिन्हें इन्हां दा हुक्म मन्निया सी मुलाजम सारे ही ने जथेदार तो लैके थले तक सारे मुलाजम ने पर यह फिर गलत हुक्म मनते क्यों ने। पहली गल तो है जे मुलाजमत की गल करिए तो गलत हुक्म मनते क्यों ने तो जे ये गलत हुक्म मनते हैं तो फिर इन्हों उन्होंने नाँ नशर करने पैणगे जिन्होंने इन्होंने हुक्म दिते। बिल्कुल अकाल तख्त साहब ये नहीं आना चाहिए ये सिस्टम जोड़ा हूँ चल रहा जिते गल पहुँच गई है ना ज्ञानी हरप्रीत सिंह ये नहीं आना चाहिए दूसरिया पंथक जथेबंदियां भी शमूलियत करनगियां असीं उन्हां नूं सद्दा भी दांगे शख्सियतां भी आके बोलनगियां उस विच जिहड़े साडे मुद्दे ने मैं पहले ही दस चुका वा पानिया की लुट किसानां दे नाल जो जो उन्हां दे उत्ते आर्थिक हमला किया गया केंद्र वालों और सब तो वड्डी गल है कि वाघा बॉर्डर जिहड़ा खुले व्यापार लई फ्री ट्रेड लई नहीं खोलिया जा रहा यह सारे मुद्दे असीं उस विच उठावांगे और उस तों बाद साडा इक मार्च होएगा मार्च जिहड़ा वो नवंबर 1984 दे कतलेआम जेडे निर्दोष सिख मारे गए सी उन्हां दी याद विच उन्हां नूं श्रद्धांजलि देण लई होएगा। इजहार आलम आ गया जेड़ा मामला है कोई कोई दोबारा सुर्खियां चल। हाँ जी इजहार आलम दी बाइक नूं खालीदा दुदा इस्त्री दा बनाया तुसी की समझदे हो कि बादल दा सिखां दे जख्मां ते नमक छिड़क रहा है या वो सियासी के डाके। देखो इजहार आलम जिन्हें जुल्म किए ने तुसी बीबी की गल कर रहे हो जिन्हें जुल्म किए ने वह तो अमीत प्रधान है और वह 10 साल तो अमीत प्रधान है हुण तुसी एक पार्टी जिन्हें सीधे जुल्म किए ने उहदी बीवी ने तो नहीं ना जुल्म किए जुल्म तो उस व्यक्ति ने किए ने एज ए पुलिस ऑफिसर तो जिन्हें जुल्म किए ने पिछले 10 साल तो इस पार्टी का अमीत प्रधान है। सो जिस पार्टी का अमीत प्रधान इजहार आलम हो वो बीवी वो बच्चे वो रिश्तेदार जिते मर्जी ला लवे हुण तुसी उत्तों चंगियाई की उम्मीद करते हो लगता कि सियासी पार्टियां या गैंगस्टरां जां जिहड़े जुर्म करन वाले बंदे हैगे ने इन्हां नूं नाल लैके चलदे हो अपनी सुबह मंगदे क्योंकि ये उन्हां नूं वरतदे ने जदों वो अहुदेयां ते हुंदे ने जिहड़े गैंगस्टर हुंदे ने उन्हां नूं भी यूज करदे ने जिहड़े पुलिस ऑफिसर जिहड़े लॉ तो बाहर जाके ओपरेट करदे ने उही सियासी पार्टियां दे नाजायज नाजायज काम करदे ने जिहड़ा लॉ दे अंदर विचरदा ना वह किसी सियासी पार्टी का नजायज काम नहीं करेगा। सो जेड़ा नजायज करेगा वह इन्हां दे एहसान हुंदे ने ये उन्हां दे परिवारां तक उन्हां नूं सांभदे ने और इसे करके सैनी हुण तक बचिया इसे करके KPS गिल बचिया सी इसे करके इजहार आलम बचिया और कांग्रेस कहड़ी इस गल तो घट है उन्हें मुस्तफा जिहड़ा हैगा जिहदी वाइफ हुण MLA है उहदा हसबेंड भी सेम इजहार आलम कॉपी ने दोनों एक पार्टियां ही अलग ने लेकिन जुल्म तो उन्होंने एको तरह के किए ने
सो ये सारे जालम अफसर इन्हां दोनों पार्टियां दे विच सेफ बैठे ने, ये पार्टियां उन्हां दा सेफ हैवन ने। सो सानू कोई हैरानगी नहीं होएगी उहदी बीवी नूं जनरल सैकटरी बनाया गया, उहदी बीवी ते इन्हां दी एमएलए है, हुण डिफीटिड एमएलए है, पर किसे वेले पार्टी दी एमएलए रही है। सो ये परिवार तां उन्हां दे विच बहुत सालां तों एडजस्ट है। 325 सो हुण इह लभदे पए आ, इहनां नूं लभ नहीं रहे, शर्मसार ने, शर्मिंदा ने, लोकां नूं फेस नहीं कर सकते। और जदों बंदा फेस नहीं कर सकता, मोदी फेस नहीं कर सकता, उहनूं पता है पंजाब दे लोक सड़कां ते बैठे आ और उह ढीठताई दे नाल अपनी गल नूं मतलब दुबारा दुबारा अपनी उसे गल नूं रिपीट करी जा रहा, इसे तरह ये कर रहे ने, इह वी ढीठ होए बैठे ने। नवंबर 1984 दे कतलेआम नूं 36 साल हो गए, अज तक कुछ उंगलां ते गिणे जाण वाले दोषियां नूं सजावां मिल सकदी, नरसिंगार करती है, जेनोसाइड करती है, नस्लकुशी करती है, वो इंसाफ कभी दिंदी नहीं हुंदी। गुजरात का भी इंसाफ नहीं सी होया, उड़ीसा का भी नहीं होया, ते दिल्ली दे विच जिहड़ा इस साल फरवरी दे विच जो होया, तुसी सितम दी गल दसो कि मुसलमान मारे भी गए ते हुण उसे वायलेंस दे दोष हेठ मुसलमान ही गिरफ्तार ने। मेरा सवाल दा जवाब नहीं, ये फिर साड़ी आपसी जड़ी एक साड़े अंदर जड़ी एक इनफेरिटी कॉम्पलैक्स है, जां साड़े अंदर जड़ी एक दूसरे प्रति ईरख है ना, ये उत्थों सवाल जन्म लेंदे ने कि सिख लीडरशिप का कसूर है। असी अपनी ही लीडरशिप नूं दोषी मान के जिन्हें साढ़े ते जुलम किया, जिन्हें सानू इंसाफ नहीं दिता, असी उन्हें बरी कर दिंदे। हाँ।